समय आप तस्वीरें देख रहे हैं कलश यात्रा की, और कलश यात्रा धीरे धीरे अब साथ ही भाई प्रस्थान करते हुए उसकी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। चलते हैं आगे और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कलश यात्रा की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो सभी राम भक्त हैं, भक्तगण हैं, और हमारी माताएं बहने हैं वो कलश धारण किए हुए हैं। और आगे चलते हैं और आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये देख सकते हैं तस्वीरें आज की देखने जैसी हैं। देखो यहाँ पे कितना आज अच्छा लग रहा है, सभी लोग बहुत खुश हैं जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। बने रहिएगा और आपको आज पूरी तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें आज जो है देखने जैसी हैं। ये देखिए, ये हमारी जो माताएं बहने हैं, और आज सभी लोग भगवा रंग में रंग चुके हैं, सभी यहाँ पे भगवा। और ये पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें देखने जैसी हैं। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पे और भी थोड़ा पीछे चलते हैं और पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए जय श्री राम, आज कोई दूसरा नाम नहीं होगा, जय श्री राम होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, साथ में भाई भी खुश है। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। आज कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है सर? कन्हैया। क्या कहना चाहेंगे आज? हाँ ठीक है, बढ़िया। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है आज बहुत सभी को। और जय आज सभी आनंदित हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कलश यात्रा इस समय सादी मदनपुर बाईपास पहुंचती हुई, बने रहिए और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बने रहिएगा चैनल में और आज आपको पूरी तस्वीरें दिखाने वाले हैं यहाँ की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कलश यात्रा सादी मदनपुर इस समय कलश यात्रा पहुंच चुकी है। ये आपको सादी मदनपुर चौराहा दिखा देते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे सादी मदनपुर चौराहे में यहाँ पे आ चुके हैं। कलश यात्रा सादी मदनपुर चौराहे की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं और कलश यात्रा और वहीं फिर से जो है वहीं पे समाप्ति होगी डाक बगले में। और इस समय आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो अयोध्या में राम मंदिर है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे, और राम मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये राम जी की फोटो के साथ में यहाँ पे लगाई गई है। और यहाँ पे कलश यात्रा इस समय सादी मदनपुर चौराहे में पहुँच चुकी है, और यहीं जो है घूम के ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, कलश यात्रा की तस्वीरें। ये यहीं से जो है रथ घूमेगा और इसके बाद में संतोषी माता का मंदिर है, वहीं पे समाप्ति होगी कलश यात्रा की। ये आप देख सकते हैं। ये सर क्या कहना चाहेंगे आज, क्या कहना चाहेंगे? अरे ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम, आज राम भक्त में जय श्री राम, जय 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 जय। तो यहाँ देख क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन? आज का दिन बहुत बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम सबके जुबान पे, जय श्री राम। देखो यहाँ जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज जय श्री राम के सिवा कोई नाम नहीं। जय श्री राम, हमारे प्रभु राम यहाँ पे अभी से बात करेंगे। सर जी है यहाँ पे, सर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर जी। तो यहाँ पे हमारे सर जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आज, आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं इस समय कलश यात्रा सादी मदनपुर चौराहे पहुंच चुकी है, और यहीं से घूमकर फिर से वहीं संतोषी माता मंदिर पे जो है समाप्ति होगी। बने रहिएगा, हम पूरी तस्वीरें आज आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने वाले हैं। देखो हमारे गांव के जाने माने, क्या नाम है सर? कमलेश। आज के दिन कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे?
है। जय श्री राम, जय श्री राम कहना है आज के दिन। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कलश यात्रा की तस्वीरें और ये हमारी ये सबसे तस्वीरें जो इस समय आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे इंडिया की बुशो न्यूज चैनल के माध्यम से आज आपको जिला कलश यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बने रहिएगा चैनल में। और यहाँ पे फूलों की बारिश होती हुई यात्रा आगे बढ़ती हुई प्रस्थान करती हुई ये देख सकते हैं आप। अब धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ेंगे चिल्ला की ओर और ये देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ की। अब फिर से जो है घूम के और चिल्ला की ओर प्रस्थान करेंगे। सेल्फी देखो यहाँ लेते हुए, वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हट जाइए भैया, थोड़ा सा साइड दे दीजिए। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इनसे पूछते हैं क्या करना चाहेंगे ये। तो इस समय आप देख रहे हैं कलश यात्रा की तस्वीरें, जो 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे चिल्ला क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखो हमारे साथ में क्या नाम है? गोलू चौरसिया। अच्छा, आज कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बस हमारे राम का उद्घाटन हो रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आज जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज जय श्री राम के सिवा यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो माता राम है, उनसे पूछते हैं क्या नाम, माता राम क्या कहना चाहेंगे आज? अरे रामलला की मूर्ति के लिए हम यहाँ बनाए हैं। अच्छा, हाँ। तो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। उत्साह जो है आज का उत्साह देखने जैसा है। आज बच्चा बच्चा यहाँ पे जो है निकल पड़ा है कलश यात्रा में और राम मंदिर का उद्घाटन। बच्चे यहाँ देखो, ये बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, तो आज बच्चा बच्चा बोल रहा है। देखो ये भारत के बच्चे हैं और भारत के बच्चे बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं भारत के बच्चे? जय श्री राम। भारत के बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। तो भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे हैं और जो भारत के बच्चे हैं वो जय जय श्री राम बोल रहे हैं। युवा हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे आज? हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही हर साल मनाया जाए हमारे साथ, मतलब गांव में ऐसा ही मनाया जाए, हर साल मनाया जाए। तो देख सकते हैं आज युवाओं में इतना उत्साह है। ये देखिए यहाँ पे और भी हमारे लोग मिलेंगे। देखिए क्या नाम है सर? सागर नाम मेरा। आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आज क्या कहना चाहेंगे? और बढ़िया कहना चाहते, यही डर होना चाहिए। जय श्री राम कहना चाहिए। जय श्री राम कहना चाहेंगे। वो कलश यात्रा शादी मदनपुर चौराहे से घूम कर और फिर से चिल्ला की ओर प्रस्थान कर रही है, जहाँ पे संतोषी माता का मंदिर है, जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं पे समाप्ति भी होगी। तो बने रहिएगा और वापसी की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखो बाबू है यहाँ पे, कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम है? आज का दिन बड़ा ही हर्षोल्लास का है। मेरा नाम है आशुतोष सिंह जी, और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रैली हर साल निकलती है और अगली बार बहुत ही तगड़ी निकाली जाएगी। और 22 जनवरी को तो हम तगड़ा प्रोग्राम करेंगे ही, साथ में मथुरा और काशी भी सजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले साल में इससे भी बड़ा भव्य जो रैली निकाली जाएगी और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उस दिन भी यहाँ पे गाँव गाँव में प्रोग्राम लोगों ने पहले से सेट कर रखे हैं, फिट कर रखे हैं, और इनसे जानकारी लेंगे कि उन्होंने अपने अपने गांव में कैसे कैसे प्रोग्राम जो है तैयारी कैसी की है 22 तारीख की। यहाँ पे सर जी है, क्या नाम है सर? मेरा नाम मैथिली सिंह। 22 जनवरी की क्या तैयारी है आपके गांव में? तैयारी चल रही है, जो कि आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा जुलूस शोभा यात्रा निकाली गई 22 तारीख को, जिस दिन उद्घाटन होना है उसी दिन की तैयारी अभी चल रही है। तो आप देख सकते हैं और भी यहाँ सर जी है, उनसे हम कुछ बात करेंगे। क्या नाम है सर? सत्यानंद तिवारी जी। सर 22 तारीख को क्या तैयारी है? हमारे यहाँ मंदिरों में कीर्तन का प्रोग्राम है। बहुत अच्छी बात है। और रात्रि को दीपदान जी, दिवाली की तरह महोत्सव मनाया जाएगा पूरे गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ दर्शक है
हैं उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे। वो क्या नाम है सर? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज? खुशी के दिन है। बहुत बढ़िया। नहीं बोलना चाहेंगे? जय श्री राम। तो भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? जय श्री राम। का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? जय जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बने रहिएगा। और कलश यात्रा काफी आगे निकलती हुई और वहाँ बढ़ते हैं और आगे कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं।